60 इंच का सैमसंग का टीवी है। 60 इंच का मतलब 240 वोल्ट की बैकलाइट दो सीरीज लगी हुई है, 240 वोल्ट की, उसमें ये बोर्ड लगा हुआ है। ये बोर्ड हम रिप्लेस करेंगे, इसकी जगह पे 32 इंच का छोटा बोर्ड लगाएंगे। ये पूरा का पूरा बोर्ड मैं निकाल के ये 32 इंच का कैसे फिट किया है ये वीडियो में मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट्स वगैरह एकदम कंप्लीट है। 60 इंच का बोर्ड निकाल के 32 इंच का बोर्ड लगा रहे हैं, ठीक है। पूरा का पूरा बोर्ड यहाँ बाहर है। जो लोग कोलकाता में रहते हैं, इस तरह की ट्रेनिंग कोई, मुझे नहीं लगता कि इतनी अच्छी ट्रेनिंग कोई देता होगा। सो कोलकाता या कोलकाता के आसपास में रहते हैं उनके लिए ये सबसे बढ़िया मौका है ट्रेनिंग लेने का। 12 दिसंबर को ये ट्रेनिंग होगी, 12, 13, 14 दिसंबर को रहेगी। और कॉल करने के लिए मेरा नंबर दिया हुआ है 9825842502, लिख लीजिए 9825842502। ये मैंने नंबर दिया है ट्रेनिंग की इंक्वायरी के लिए। आप कोलकाता में रहते हैं तो मुझे फ़ोन कीजिए और जल्दी से सीट रजिस्टर कीजिए। 12 दिसंबर को 12, 13 और 14 तीन दिन की सेमिनार फॉर्मेट में ट्रेनिंग होगी और ये होटल ट्रिबोसेनी इन होटल में होगी। इसका मॉडल नंबर है UA60JS7200 जिसमें हम ये काम कर रहे हैं। इस टीवी की सब की सब बैकलाइट्स खराब थी जो कि पावर बोर्ड के वजह से थी। पावर बोर्ड में से आने वाले 240 की जो सीरीज थी जो हाई लोडेड में चलने की वजह से ये LED लाइट भी गर्म होके खराब हो गई थी। अभी हम इसमें दूसरी लाइट लगा रहे हैं। ये सीरीज पैरेलल बोर्ड है, यहाँ पर हमने सीरीज जो है उसको हटाना है बिकॉज हम इसमें ड्राइवर बोर्ड डाल रहे हैं ताकि ये बैकलाइट्स दोबारा ख़राब ना हो। सीरीज का बहुत बड़ा लोड है इसमें, इसमें टोटल नंबर ऑफ 10 LED स्ट्रिप्स हैं, ओके, और एक स्ट्रिप में 16 LEDs है, ओके, और 5-5 की सीरीज, दो सीरीज बनी है, मतलब आप समझ सकते हैं 5 × 16 LEDs है अंदर एक सीरीज में और 5 × 16 LEDs अलग स्ट्रिप में और × 3 भी करना है आपको। तो इतने वोल्ट की LED सीरीज बनी हुई है जिसके वजह से पावर सप्लाई भी इसका ख़राब हुआ है और साथ ही साथ बैकलाइट सारी की सारी ख़राब थी। अभी हमारा काम है कि हम अलग से ड्राइवर बोर्ड लगाएं, लेकिन उसके लिए हमें ये लोड कम करना पड़ेगा। तो लोड कम करने के लिए हम ये सीरीज पैरेलल बोर्ड जो है इसको हटा रहे हैं, ओके। सो उसके लिए हमने यहाँ पर बैकलाइट्स को बाहर ले लिया है, बस खाली हम ये बोर्ड को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। सभी पैरेलल कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्लस 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 मैंने सभी जोड़ दिए, ओके, और माइनस 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 सभी आपस में जोड़िए, मतलब माइनस सभी आपस में और प्लस सभी आपस में और प्लस और माइनस मेरी ड्राइवर बोर्ड से आ रही है। अब हम चेक कर लेते हैं हमारी जो बैकलाइट है वो कितने वोल्ट दे रही है। ऑन कर दो, ठीक है। तो ये हम चेक कर रहे हैं, एक साथ सभी LEDs जलनी चाहिए इस समय पे, समय लगता है बिकॉज इतनी सारी LEDs हैं। आप दिखा दो, हम जो ड्राइवर यूज़ कर रहे हैं ये इसके अंदर जो बैकलाइट टेस्टर का ये हाई एम्पियर नहीं होता है, ठीक है, तो लाइट्स डिम जलेगी बिकॉज हाई एम्पियर नहीं है। लेकिन ये लोड दिखा दो कितना लोड लेगा, पहले का लोड कितना था। सो यहाँ पर 240 वोल्ट की एक सीरीज थी और 240 वोल्ट की अलग सीरीज, मतलब 5 LEDs की एक सीरीज और 5 LEDs की एक, तो इसमें लोड जो था वो इतना था कि बैकलाइट भी गर्म हो रही थी साथ ही साथ पावर सप्लाई भी इसका ख़राब हो गया। तो अभी हमने क्या किया, पैरेलल कर दिया और हमारी जो टोटल लोड अब हमने कर दिया, जो पावर सप्लाई कंज्यूम करेगा वो कितना करेगा, 40.3 वोल्ट। सो 40.3 वोल्ट कर दिया हमने लोड 240 वोल्ट को, ओके। हमने सभी पूरा पैरेलल करने के बाद बैकलाइट सभी कंप्लीट जल रही है और इसमें जो प्रॉब्लम थी कि बैकलाइट बार बार
नहीं उड़ने के लिए हमने क्या काम किया, एक तो सॉकेट्स को मेल फीमेल हटा दिया, पैरेलल वायरिंग की है, ओके, और यहाँ भी मेल फीमेल था हमने डायरेक्ट कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये सभी स्ट्रिप में मैंने किया है, तो मतलब मेल फीमेल हमने बिल्कुल ही हटा दिया इसमें से, और ये कंप्लीट हो गया। इसमें कोई भी अब स्पार्क नहीं होगा, चाहे इसमें भी स्पार्क होने वाला हो तो ये वायर से वोल्टेज मिल जाए, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकलाइट एकदम बढ़िया ग्लो कर रही है और कोई रिफ्लेक्टर्स की निशानी नहीं दिख रही है, ठीक है, सो ये ग्रेट है। इसके बाद हम अब पैनल फिट करेंगे। ये 60 इंच का सैमसंग का एलईडी टीवी है जिसमें लोड जो है वो 240 वोल्ट की दो सीरीज, ठीक है, इसके अंदर दो सीरीज थी। इसकी हमने बैकलाइट की वायरिंग तो कर दी है। सो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी पड़ेगी। जब भी आप पावर सप्लाई फिट करते हैं, ऐसा पावर सप्लाई जो कि इस बोर्ड का नहीं है, जिस कंपनी के टीवी में आप काम कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले, क्योंकि मदरबोर्ड से आने वाले पावर ऑन सिग्नल को आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, पावर ऑन होने के बाद ही यहाँ पर पीएफसी सर्किट काम करेगी। तो यहाँ पर पीएफसी के लिए ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर दो मॉस्फेट पैरेलली यूज़ किए हैं और एक डायोड के थ्रू पीएफसी सर्किट बनी है। अब ये पीएफसी सर्किट अपने आप तो काम नहीं करेगी ना, इसके लिए हमें यहाँ पर ये आईसी की ज़रूरत है जिसका नंबर है CXA3810, जो ये पीएफसी के दोनों मॉस्फेट को ड्राइव प्रोवाइड करती है, ड्राइव। तो यहाँ पर हमें पहले ये देखना है कि ये जब पावर ऑन हम करेंगे उसके बाद यहाँ पर 330 से 390 बनते हैं यानी। तो पहले मैं ये जम्पर हटा के आपको बताता हूँ कि इसमें अभी फिल्टर पे वोल्टेज कितने बन रहे हैं। तो अभी मैं पावर ऑन कर रहा हूँ, पहले स्टैंड बाय 3.3 वोल्ट के लिए यहाँ पर SMPS है, उससे 3.3 बनेंगे। तो हम पहले 3.3 देख रहे हैं, तो यहाँ पर 3.3 ओके है, ठीक है। अब जब मैं इसे शॉर्ट करूँगा तभी पीएफसी के लिए वोल्टेज बनने चाहिए। अभी वोल्टेज हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर 500 वोल्ट की रेंज में मैं रख देता हूँ मीटर को, और प्लस और माइनस पे हम चेक करते हैं। यहाँ पर 338 वोल्ट बता रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम ये 3.3 पावर ऑन के साथ शॉर्ट करेंगे उसके बाद हमें देखना है कि वोल्टेज कितने होते हैं, और अब हम देखते हैं कि हमारे जो पीएफसी के वोल्टेज हैं वो बने या नहीं। तो यहाँ दोबारा से हम टीवी ऑन करके देखते हैं, ओके, इस समय पे हमारे वोल्टेज कितने होने चाहिए, यहाँ पर 398, ओके। सो ये पीएफसी सर्किट बन चुकी है। अब हम देखते हैं हमारे 24 वोल्ट जो हम इस ड्राइवर के साथ कनेक्ट करेंगे वो बनते हैं या नहीं। तो यहाँ ग्राउंड और 24 वोल्ट पे हम देख रहे हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं 24 वोल्ट बन रहे हैं, 25 वोल्ट, ओके, और यहाँ पर हमें 12 वोल्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो 12 वोल्ट हम रेगुलेटेड 12 वोल्ट देख रहे हैं, यहाँ पर 12 वोल्ट हमें मिलने चाहिए, तो हम 12 वोल्ट के टेस्ट पॉइंट पे देख रहे हैं, तो 12.6 वोल्ट आ रहे हैं। सो ये 12.6 वोल्ट हम मदरबोर्ड को देंगे, ओके, और उसी से बक रेगुलेटर्स, जितने भी यहाँ पर रेगुलेटर्स लगे हुए हैं वो सभी रेगुलेटर्स 12 वोल्ट पे काम करते हैं, तो वो सभी 12 वोल्ट से अपनी अपनी सप्लाई बनाएंगे, प्रोसेसर के लिए, EMMC IC के लिए, रैम्स के लिए अलग अलग वोल्टेज बनेंगे, ये सभी 12 वोल्ट से बनेंगे। तो हम 12 वोल्ट को अलग दे रहे हैं और 24 वोल्ट इस ड्राइवर के लिए अलग से देंगे यहाँ से, ठीक है, जो कि यहाँ ऑलरेडी बन ही रहे हैं, ओके, यहाँ आप देख सकते हैं 25 वोल्ट। सो अभी हम कनेक्शन करके दिखा देते हैं आपको कनेक्शन कैसे होगा।
अभी मदरबोर्ड के लिए जो सप्लाई है 12 वोल्ट की वो हम यहाँ से दे देते हैं। ठीक है, ये मैंने प्लस वायर जोड़ दिया, माइनस हम यहाँ दे देंगे। ओके, सो ये हो गए मदरबोर्ड के लिए 12 वोल्ट। ओके, 12 वोल्ट एंड ग्राउंड। अब हमें देना है बैकलाइट ऑन और ग्राउंड, जो कि इस ड्राइवर बोर्ड के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकलाइट ऑन के लिए मैंने वाइट वायर यूज़ किया है और ग्राउंड के लिए ग्रे वायर। ठीक है, और साथ ही साथ 24 वोल्ट जो यहाँ से हमें इस ड्राइवर बोर्ड को देना है वो भी हम कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया 24 वोल्ट और ग्राउंड। ठीक है, तो ये हमने ड्राइवर बोर्ड की सप्लाई भी दे दी है। ठीक है, जो कि पहले ही हमने बता रखा है आपको कि बैकलाइट के कनेक्शन हमने इस बोर्ड के साथ 32 इंच के बोर्ड के साथ करने के लिए अंदर की जो 240 वोल्ट की जो सीरीज थी, दो सीरीज, उसको हमने सब की सब लाइट को पैरेलल करके 40-45 वोल्ट की बना दिए। तो यहाँ पर हमने 45 वोल्ट प्लस और माइनस दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये कनेक्शन पूरा वापस देख लीजिए, ये आ रहा है, ये मदरबोर्ड से बैकलाइट ऑन ऑफ वोल्टेज आ रहा है और मदरबोर्ड से ग्राउंड। ठीक है, पावर सप्लाई से 24 वोल्ट और ग्राउंड हमने दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पर मदरबोर्ड से हमने सिग्नल जो दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है 12 वोल्ट मदरबोर्ड के लिए। ठीक है, और ग्राउंड। ओके, अब हम देख लेते हैं हमारी बैकलाइट ऑन हो रही है कि नहीं इस समय पे। तो ये मैंने पावर ऑन किया और हम देख रहे हैं कि बैकलाइट ऑन हुई। यहाँ पर आप छोटे छेद के थ्रू दिखा दो, तो बैकलाइट ऑन हो चुकी है। और हमें ये भी देखना है कि ये हमारा SMPS या MOSFET जो ये इसे बना रहा है वो गर्म ना हो और जो हमारी लोड है लोड के साथ वोल्टेज ड्रॉप ना हो। तो हम सभी वोल्टेज फिर से चेक कर लेते हैं। 25 वोल्ट आ रहे थे, अब देख लेते हैं हम कि कितने आ रहे हैं। तो ग्राउंड को हम कॉमन कर लेते हैं और 25 वोल्ट जो आ रहे थे वो उसकी जगह पे अब कितना है, 24.8, मतलब लोडिंग नहीं है। ठीक है, तो हमने लोड ही ऐसा बनाया है कि लोड ना हो सप्लाई। और 12 वोल्ट जो हम दे रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं 12.5 वोल्ट, कोई कंजम्पशन नहीं है कहीं भी। और ग्राउंड मदरबोर्ड को दिया है। ओके, और 24 वोल्ट एंड ग्राउंड ड्राइवर बोर्ड को दिया है और मदरबोर्ड से हमने बैकलाइट ऑन और ग्राउंड दिया हुआ है। तो ये टोटल वायरिंग है जिससे कि हम 60 इंच के टीवी में 32 इंच का, ये आप देख सकते हैं ये 32 इंच का बोर्ड है हम फिट कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें हीटिंग तो नहीं होती एक तो, और दूसरा हमारी पिक्चर ओके बनती है या नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सब के सब जंपर्स लगा दिए, यहाँ ये दिखा दो। ओके, ये जंपर्स लगाने के बाद यहाँ पर अभी 420 मिली एम्पियर करंट से बैकलाइट जल रही है। ये बैकलाइट के लिए हमने दो आउटपुट्स यहाँ से कनेक्ट किए हैं। ठीक है, जो कि बैकलाइट LED में जा रहे हैं। सो यहाँ पर 46 वोल्ट कंज्यूम हो रहा है। अभी हम ऑन करके पहले पिक्चर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो हमने एक लोड कितना कम कर दिया, ये HDMI 4 लिखा हुआ आ गया और ये टीवी स्टार्ट हो चुका है। दाल लिखा हुआ है या कि दाल काली देख गिरती है जब, और साउंड भी देख सकते हैं वो वाली, वो मेरा सेंसर करेगा। कुछ दिनों से